about this chapter that you will be like, ha, ma'am. कोई भी आप सिचुएशन कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए तो, तो अगर आपको देखना और पहले, पहले लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है बिकॉज वो नेसेसरी है चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट आवर सेशन जहां पर हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं आपकी समरी और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं थीम ऑफ द चैप्टर एज वेल जहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं तो चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो चाहे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो हर टाइप का क्वेश्चन आप इस चैप्टर के ये सेशन को देखने के बाद पक्का अटेम्प्ट कर पाओगे मूविंग अहेड बच्चा दिस इज अ स्केड्यूल ऑफ द वीक अगर आपने इस हफ्ते का कोई भी सेशन मिस कराए गो हेड चेक इट आउट स्पेशली एनसीआरडी के मैराथन और हमारा जो वीक हुआ था टेंसेस पे बहुत अमेजिंग था और अभी जो आपके पास ना कल रात को नौ बजे आने वाला है हैप्पी हैप्पी प्रिंस प्रिंस की समरी का इंट्रोडक्शन तो प्लीज उस सेशन को भी देखिएगा उसको भी आप मिस आउट करना डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते मूविंग ऑन केडोज दिस इज आर क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन फॉर द डे इसके बाद हम सारे के सारे करेंगे, और फिर हम एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ेंगे So the human body and mind are tremendous forces that are continually amazing scientists and society. Therefore, we have no choice but to keep an open mind as what the human being can achieve. So Evelyn. ग्लैनी का ही एक कोर्ट है जहाँ पे हेबलिन ग्लैनी बोलती है कि आपकी बॉडी आपका माइंड ठीक है ऐसे फोर्सेस है ना जो आपको पता भी नहीं है क्या क्या चीजें आपके लिए इन्वेंट कर सकते हैं एक ओपन माइंड लाइफ में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज यू नेवर नो वॉट योर बॉडी वट योर माइंड इज केपेबल ऑफ डूइंग स्पेशली दिस लिटिल गर्ल जिसका बॉडी और माइंड सीरियसली भाई दाद देनी पड़ेगी बिकॉज इस बंदी ने सबके लिए इंस्पिरेशन बनकर दिखाया है सो लेट्स स्टार्ट विद आर एवलिन ग्लेनी की समरी तो भाई होता क्या है हमारी ये प्यारी सी एवलिन ग्लेनी जो है ना ये एक स्कॉटिश मल्टाई पकशनिस्ट है अब मल्टाई पकशनिस्ट का मतलब क्या होता है वो इंसान जिसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आता हो तो उन्हें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं बढ़िया तरीके से बजाने आते हैं ठीक है बट इसमें कैच ये है कि दिस शी

लाइक आई टोल्ड यू स्कॉटिश मल्टास्ट है जो कि म्यूजिक को बिना सुने हुए सीख पाई एंड शीज अ टैलेंटेड परफॉर्मर जो कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को परफेक्टली प्ले कर सकते बट ऐसा नहीं था कि एवलिन ग्रेनी जो है वो बचपन से ही डेफ थी इनका जो ये पूरा का पूरा यू नो हेयरिंग लॉस का प्रोसेस था ये ग्रेजुअल था और ये हुआ था नर्व डैमेज की वजह से और ये जो इनका सिलसिला था ये सबसे पहले स्पॉट करा गया था शी एट ईयर्स ओल्ड ठीक है जब ये आठ साल की थी तो ये पियानो परफॉर्म करने जा रही थी पर जब इन्हें स्टेज पे बुलाया गया इनका नाम लिया गया तो शी वॉज नॉट

डेफ लोगों के लिए डेडिकेटेड है और ये सुनकर उस टाइम पे उनका दिल एब्सोल्युटली टूट गया था बिकॉज दिस गर्ल शी वाज डिटर्मिन टू लीव लीड हर लाइफ द नॉर्मल वे सो भाई एज आई टोल्ड यू उन्होंने अपनी हेयरिंग पावर जो है 11 साल की उम्र में ही खो दी थी और भाई उन्हें

कोशिश करो ठीक है और ये एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हुए इन्हें पता चला कि ये जो बड़े ड्रम की नोट्स हैं वो अपने यू नो अपर बॉडी पार्ट में फील कर सकती हैं और लोअर नोट्स को अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स में फील कर सकती है लेग्स वगैरह में और इससे इन्हें रियलाइज हुआ कि कैसे ये म्यूजिक को उनके वाइब्रेशन सेंस करके भी सीख सकती हैं सो so, भाई डिस्करेज बाई टीचर्स बट रॉन ने इनके पोटेंशियल में पूरी की पूरी होप दिखाई और इन्हें सीखना था वहीं से इनका म्यूजिक का इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा जागरूक हुआ रॉन ने इन्हें इनकरेज करा इनके लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे और इन्हें म्यूजिक बिना सुने कैसे सेंस करना है ये समझाया अब वही फिर क्या था इस लड़की ने कभी मुड़कर नहीं देखा ठीक है इन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में यू नो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन करा एंड लेट मी टेल यू उनके हिस्ट्री में वन ऑफ दी हाइएस्ट मार्क्स ये लड़की स्कोर कर पाई और वहाँ पर इनका जो पूरा का पूरा कोर्स था ठीक है उसके दौरान इन्होंने बहुत सारे शोज करे यू नो पूरी दुनिया घूमी ठीक है एंड साथ ही साथ ठीक है इनके ना इंटरव्यू चल रहा था ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है ना इंटरव्यू फॉर्मेट में है तो कुछ फनी इंसिडेंट्स भी बताए गए हैं तो सेवलिन क्लेनी बोलती है कि उन्हें ना जो बुशी लड़के होते हैं यानी जिनकी बहुत ज्यादा मुस्ताश वगैरह होती है उनके ना बातें समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है बिकॉज हाउ शी इज एबल टू अंडरस्टैंड वोट दी अदर पर्सन इज स्पीकिंग जैसे वो उनके पूरे फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ती हैं उनकी लिप्स वगैरह रीड करती हैं बट बिकॉज ऑफ देयर मुस्ताश एंड बियर्ड शी इज़ नॉट एबल टू डू विद साथ साथ ही जब ये किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती है ना तो ये अपने पैरों से चप्पले वगैरह उतार देती है ताकि उन्हें वाइब्रेशन जो हैं अच्छे से, से सेंस हो सके और ये दोनों के दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसलिए मैंने आपको बताए हैं तो so भाई ऑडिशन फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लाइक आई टोल्ड यू स्कर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स और अपनी डेडिकेशन अपने हार्ड वर्क की वजह से इन्हें काफी सारी सक्सेस हासिल हुई और पूरे वर्ल्ड ने इन्हें रिकॉग्नाइज करा फिर उसके बाद 1991 में इन्हें सोल्विस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था बाय फिल हार्मोनिक सोसाइटी एंड दिस लेडी

परफॉर्म फ्री कॉन्सर्ट्स फॉर हॉस्पिटल स्कूल सोलस्ट ऑफ दवार में रॉयल फिर हारमोनिक सोसाइटी की तरफ से एंड एंड इंस्पिशन फॉर ऑल दी स्पेशली एबल्ड किड्स जिनको लगता है कि अब उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेडी नाउ लेट्स कम टू थीम ऑफ द लेसन जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सो so थीम कुछ नहीं है ड्रीम्स एंड आप अगर उसकी तरफ काम करते रहो तो आज नहीं तो कल आपको वो ड्रीम जरूर हासिल होते हैं बट द ओनली कंडीशन इज दैट कि आपको अपने अंदर वो जज्बा रखना है कि नहीं मैं अपने ड्रीम्स पर गिव नहीं करूंगा या नहीं करूंगी right, मिस करा है तो प्लीज देख लेना फिर चाहे टिप्स हो ऑन हाउ टू योर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स या फिर थ्री मंथ स्ट्रैटेजी एनसीआर की मैराथन जहां पर हमने यू you नो know, आपका the, कौन सा वाला Lake Isle of उसके अलावा the Legend of the Land, फिर चाइल्डहुड जैसे कवर करा NCRT से वर्ड टू वर्ड फिर हमने एक टेंसेस के ऊपर बड़ा प्यारा वीकस भी करा था फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स भी करे सब्जेक्ट अग्रीमेंट के जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा हमने यू you नो know, दोनों के दोनों पार्ट कवर कर लिए हैं साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट वन पार्ट टू के पूरे वन शॉट और अब रात को नौ बजे कल आपके पास आएगा हैप्पी प्रिंस का इंट्रोडक्शन समरी तो ये सेशन भी आप सबको जरूर देखना है उसके अलावा आपको और क्या करना है भाई साहब आपके अमेजिंग अमेजिंग ये जो सारे के सारे मास्टर टीचर्स हैं ना अभिषेक सर विनय सर हर्षु बाबा ये सब आप लोगों से मिलने आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं बाबू भैया बिकॉज देखो वेदांतु को ना पता चला है कि आप लोग बड़े परेशान हो गए यार टीचर्स से हमें ऑनलाइन नहीं पढ़ना अब तो ऑफलाइन फेस टू फेस हमें टीचर्स से पढ़ना है तो फिर क्या था इन टीचर्स ने डिसाइड कर लिया कि जो ये टॉप थ्री सिटीज जो कि आप लोगों ने खुद सिलेक्ट करी हैं उनमें ये टीचर्स आपसे मिलने आएंगे और अपने ऑफलाइन सेंटर्स भी खोलेंगे तो कौन सी है थ्री ये हैं हैं ये ये बच्चा टॉप सिटीज आपकी बैंगलोर पुणे और डेली अब ये टीचर्स आपसे कब कब मिलने आ रहे हैं ये डेट्स आप नोट डाउन कर लीजिए बेंगलोर में ये टीचर्स रहेंगे ट्वेंटी एट ऑफ अक्टूबर को पुणे में होंगे ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर को और दिल्ली में होंगे एंड ऑफ बिकॉज ऐसे तो नहीं आना ना आपको इनविटेशन के साथ आना पड़ेगा तो अगर आपको इन्विटेशन देना लेना है अपनी सीट बुक करनी है इवेंट्स के लिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वहां से जाइए और प्लीज अपनी सीट को बुक करिए बिकॉज वी टीचर्स आर एब्सोल्यूटली एक्साइटेड टू मीट यू एंड आई नो सो आर यू सो वोट आर यू वेटिंग फॉर गो हेड फिल दीज फॉर्म्स एंड बच्चा Let like me tell you, if any of you would, you know, want reminders, BPS and PDFs of these amazing sessions, so our Telegram channel ka link is given in the description box. Go ahead, join our community over there. And this is my Instagram handle. If any of you would like to reach out to me personally, and बच्चा पार्टी हमारे Shorts चैनल भी आपके लिए खोले हैं, जहाँ पे हर हफ्ते इंग्लिश की वीडियोस आती हैं, Shorts आते हैं। हम 60 सेकंड्स में आपके पुरी स्लेब्स को कवर कर रहे हैं। again the link is in the description box do check them out and if you enjoyed this video found it helpful hit the like button share it with your friends subscribe to the channel if you haven't done yet and guys hasta habista, milenge barte barte.